लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, वहीं दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। वहीं इस बीच उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन में फंसे पेच पर कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इस बावजूद भी वो आरजेडी के सामने मजबूर है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यही मजबूरी और स्वार्थ के कारण देश में आज कांग्रेस की साख गिरी है। परिवार का स्वार्थ ही पार्टी का आधार रह गया है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपने छिपे हुए एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। राष्ट्र और समाज की सेवा करना उनका मिशन नहीं है। इस गड़बड़ी को जिसने भांपा वो वक्त रहते पार्टी से निकल गया, जो पार्टी में रह गए हैं वो फंस गए हैं। जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का, और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। कोई राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का उनका मिशन नहीं, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है। और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं निखिल कुमार कह रहे हैं कि जिस तरीके से गठबंधन धर्म का अपमान कर रहे हैं आरजेडी के लोग, क्या लगता है कि कांग्रेस एकदम मौनी हो गई है आरजेडी के सामने? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस रही है और कांग्रेस की ये मजबूरी कहीं न कहीं उसकी साख, उसके प्रतिष्ठा को, जनता के बीच के विश्वास खत्म हो रहा है उसका। कांग्रेस की ये मजबूरी सत्ता किसी तरह से प्राप्त करना, चाहे वो परिवारवादी हो या भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, ऐसी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह से गठबंधन को बरकरार रखना, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्र का हित प्रथम रखे, जनता का हित प्रथम रखे, क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता राष्ट्र हित को बलि चढ़ाकर करने वाले लोग कभी लोकतंत्र के रक्षक नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे जबकि वो जेल में है? अब ये तो जवाब अरविंद केजरीवाल जी देंगे। नैतिकता की दुहाई देते थे, भ्रष्टाचार पर हमेशा वार करते थे। भ्रष्टाचार ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं एक बड़ी विडंबना और खामी है कि केजरीवाल जी जैसे लोग लोकतंत्र के कुछ कमियां और खामियां और संविधान के तहत कुछ प्रावधानों को साइलेंट मौन का फायदा उठाते हैं। राजनीति में लोक लज्जा सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ा आभूषण होता है, और जो व्यक्ति लोक लज्जा को त्याग दिया, जिसके मन के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार से गठबंधन और दोस्ती कर करके सत्ता प्राप्ति के लिए समझौता करता है, वह व्यक्ति की यही दशा होती है। और जनता को एक बार दो बार गलती से वो भ्रमित कर सकता है, लेकिन अस्थाई राजनीति वो नहीं कर सकता। इस दौरान डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस की ये मजबूरी है कि सत्ता किसी तरह से हासिल करना है, चाहे वो परिवारवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह गठबंधन बरकरार रखना हो। ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये कतई उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।